हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो सुबह हो चुकी है और आज है जुम्मा, सो आप सभी को जुम्मा मुबारक। काफ़ी जल्दी उठ चुका था आज सुबह भी मैं, तो बस अभी जा रहा हूँ मैं अम्मी के वहाँ पर, क्योंकि मुझे नए वाले घर पे जाके थोड़ा लाइट का जो काम है वो भी चेक कर रहा है। तो पहले अम्मी के वहाँ चले जाऊँगा, एक छोटा काम है, देखते हैं। अम्मी का भी कॉल आया, आ रहा है अभी, मैं उठाता हूँ जब तक आपसे बात कर लेता हूँ। तो अम्मी के वहाँ पहुँचता हूँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपसे मिलेंगे, बने रहिएगा इस वीडियो में। सो गाइज, अभी मैं बैठा हूँ न्यू वाली कार में, ठीक है, क्योंकि अम्मी ने बोला है कि कहीं जाना है, कुछ काम करवाना है लगता है इसका, गाड़ी का। तो बस निकलते हैं अभी हम लोग यहाँ से, फिर मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम में, बने रहिए वीडियो में। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं GTP नगर गाड़ी लेकर, ठीक है। और ये हार तो आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, माइन से बनवाया था हमने, ठीक है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी गाड़ी अम्मी ने लिए, चाहे वो क्वालिस हो, इनोवा हो, फॉर्च्यूनर, क्रेटा, फिर ये फॉर्च्यूनर भी यहीं से हमने बनाया है। जो भी है नाम वगैरह जो भी गाड़ी पे लिखते हैं यहीं से लिखते हैं। और अम्मी यहाँ पे बैठ गए थे, वो चाय के मज़े ले रहे, ठीक है। तो अभी जो भी बनता है इस पर, जो भी है वो आपको मैं बताता हूँ थोड़े टाइम में। और अभी भी गाइज एक चीज़ का सीन है, जो गाड़ी जिस वजह से मेन डिले हुई थी वो अभी भी लगा नहीं है, जो नीचे का एडिशनल गार्ड आएगा। सेकेंडली, जो इसके जो मैकविल है, जो रिम्स है, ये पूरे ब्लैक होने वाले, तो वो अभी तक कंपनी में आए नहीं, एक दो दिन में आने वाले। बट हमारा ऐसा था कि नंबर की पावती भी नहीं फटी थी, तो वो भी मैंने एक रीज़न था बड़ा गाड़ी नहीं लाने का, बट वो भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कल गाड़ी लेकर आ चुके हैं। सो गाइज, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नई वाली बिल्डिंग में, क्योंकि गुड्डू भाई लोग आए हुए और अम्मी को थोड़ा काम चेक करना था। तो जो गाड़ी पे लिखवाना है वो काम पूरा हुआ नहीं, क्योंकि इंशाल्लाह अभी टाइम है, जुम्मा की नमाज़ के लिए भी घर जाके मैं रेडियो के नमाज़ भी पढ़ लूँगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जब मैं निकलूँगा रिटर्न, तो नमाज़ बाद वो काम होगा तो वो भी लगवा के ले लेंगे। तो जो भी है, जैसे भी आपको बताते रहेंगे, बने रहिएगा इस वीडियो में, मिलता है आपसे थोड़े टाइम बाद। सो गाइस, यहाँ पर मैं खाना बनाने लग गई हूँ, सैफ नमाज़ पढ़ के भी आ गया, तो मैंने सोचा नाश्ता तो उसने कर लिया था, चौकस खा लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो चिकन बना देती हूँ, क्योंकि इतने दिन से भारी भार खाना हो रहा है, तो मैंने अपना के घर में भी बना लेती हूँ। मैंने इसको चिकन 65 मसाला और नींबू डाल के मिक्स करके रख लिया, ठीक है। और कांदा टमाटर बस झटपट वाला, फटाफट वाला बना दूँगी, वही कांदा टमाटर डाल के उसको भून के वही मसाले में चिकन डाल दूँगी, बस दैट्स इट। और तबीयत सही नहीं है गाइस, पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मोशंस बंद नहीं हो रहे, खाना बनाते वक्त भी बोल रही हूँ आप लोग को। सो गाइस, मैं ये बोल रही थी, मेरी हालत आप देख सकते हो कि दो तीन दिन में बहुत ज़्यादा ही एकदम ये हो गई, एकदम डल हो गई, बहुत हालत ख़राब हो गई। पता नहीं, हाथों में मेहंदी में मेरे को कभी ऐसा हुआ नहीं, आई मीन एक बार हुआ था इन्फेक्शन, फिर उसके बाद में कभी नहीं हुआ। और ये वाली मेहंदी में नहीं होता, ब्लैक कोन में होता है, बट ये मेहंदी में भी मुझे खुजलियाँ चालू हो चुकी हैं हाथों में, बहुत ज़्यादा खुजलियाँ हो रही है। फिर उसके बाद में मुझे मोशंस रुक नहीं रहे, रात रात को मैं सो नहीं पा रही, मेरे आँखों के नीचे आप लोग खड्डा देख सकते हो, मैं रात को बिल्कुल भी नहीं सो पा रही हूँ, मेरे को कंटिन्यू मोशंस चल रहे हैं। और कहा है कि मैंने देखा भी, और मम्मी ने भी कहा, मतलब मेरी सास ने भी कहा कि मोशंस ज़्यादा अच्छे नहीं है, बदन का पानी सुखा देता है, और कंटिन्यू मुझे मोशंस चालू है। हर आधे घंटे में मुझे ऐसा लग रहा है कि बाथरूम जाऊँ, बट एकदम हालत ऐसी डाउन हो चुकी है कि उठ बैठ करना मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। ये जो मंथ चल रहा है, ये मंथ में मेरे को ऐसा लगता है कि बस बैठी रहूँ, उठूँ ना, और मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। कहते हैं कि बेबी का वेट बहुत अच्छे से ग्रो होता है माशाल्लाह से, सो उस ग्रोथ की वजह से ज़्यादा टाइम खड़ना, ज़्यादा टाइम काम करना, उठना बैठना अच्छा नहीं होता, तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा भी मालूम पड़ रही है, हालत टाइट हो रही है। और पता नहीं क्या, मालूम क्या हो गया, मैं अच्छी खासी थी, नियाज में भी आप लोग ने देखा मैं कितनी अच्छे से थी, सब कुछ अच्छा था, बट नियाज के दूसरे दिन से जो चीज़ मेरे साथ चालू हुई है, अल्लाह ही रहम करे, पता नहीं क्या हो गया मुझे, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। बस यही दुआ करो आप लोग की गाइज मैं ठीक हो जाऊँ, प्लीज़ आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट करके बोले, जो दुश्मन भी है, जो लोग इतना बोलते ना हेटफुल कमेंट भी करते, तो उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे हक में दुआ करो, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोग बुरा भला बोलते हो, हाँ चलेगा ठीक है बोल लो, बट एक जान मेरे अंदर बस रही है, बस उसके लिए आप लोग दुआ करना कि उसको कुछ ना हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ और हिम्मत नहीं हो रही है खड़ने की भी,
ताकत ही नहीं बच रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं बस अभी चक्कर आ रही है, अंधेरा आ जा रहा है आंखों के सामने। तो भी कैसे है ना कि सैफ भी आया तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने बोला कुछ बनाई भी नहीं मैंने। सो मैंने बोला कि चलो बच्चा है तो जब तक खाना बना लेती तो खा लेगा कम से कम मेरा हाथ का भी खाना। और बहुत अजीब सा हो रहा है, कंटिन्यू सिर्फ रात रात भर तड़पना। बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे यार क्या यार माई तो पेट से ही तो है, कोई सी बड़ी बात है। कमेंट भी एक लड़के ने किया है कि अरे क्या हो गया, ये तो सिर्फ इजी है, प्रेगनेंट ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, पहाड़ तोड़ रही है। बट भाई एक बात बोलूँगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है रातों को बेड से उतरने के लिए, ऐसा लगता है कि अल्लाह मौत आ रही है, हकीकत में ऐसा लगता है। बहुत हालत ख़राब हो गई है, मैं अच्छी खासी थी, पता नहीं क्या हो गया मुझे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लग गई है। चलो कोई ना, अल्लाह केयर करे। बस अभी फटाफट कब बना देती हूँ चावल, तो ऑलमोस्ट हो गया। कैफ नहीं है, कैफ अम्मी के साथ है, कैफ आ जाएंगे और उससे पहले इसको खाना दे दूँगी मैं भी थोड़ा खा लूँगी, मैं भी भूख लगी है मुझे भी। तो चावल तो ऑलमोस्ट हो गया है, फटाफट सालन बना के लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। सो गाइस यहाँ रख दिया है मैंने तेल गरम होने, थोड़ा सा डाला राई का तेल, जितना था उतना डाल दिया। ये बोतल इसलिए रखी क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा बच्चा हुआ है, तो मैंने बोला कि थोड़ा रख देती हूँ, कभी ऐसा कान वान में दर्द दिया तो हल्का सा निकाल के यूज़ कर लूँगी, और फिर आने इस बोतल को भी फेंक देना। और राई का तेल और नॉर्मल तेल डाल दिया है यहाँ पर, और पहले डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर कांदा, और उसी में मैं चिकन को अच्छे से पहले भून लूँगी, और मैंने तेल अच्छे से पहले गर्म होने दूंगी क्योंकि मेरे को अम्मी ने बताया कि मैं तेल अच्छे से गर्म होने नहीं देती हूँ। तो इसीलिए मैं पहले तेल अच्छे से गर्म होने दूंगी, जब तक ऐसे तेल में से धुआं नहीं आएगा तब तक गर्म होने दूंगी। तो गाइस यहाँ पर कांदा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और इसके अंदर मैंने तेल के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, कांदा, हरी मिर्ची डाल दिया था, और इसमें चिकन डाल दूँगी। कांदे में ही चिकन को भून के लूँगी। सो गाइज मैंने चिकन को अच्छे से कांदे में भून लिया था, भूनने के बाद मैंने उसके ऊपर टमाटर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर डाल दिया था, और हल्का सा पानी डाला है मैंने। अब इसको थोड़ा ढक दूँगी, कितना चिकन का पानी है वो छूट जाए, फिर उसके ऊपर से पानी डाल के थोड़ी देर के लिए और छोड़ दूँगी। यहाँ पर चावल हो चुका है रेडी, बस इसको गंजी उतार देना चावल का, दैट सेट। और हाँ गाइज कोथमीर डाल दिया है, और अभी इसको हम ढक देंगे, मीडियम आँच पे रख दिया, ढक देंगे जब तक ये पक जाए, फिर इसके बाद में पानी डालेंगे। सो गाइस नए वाले घर से हम लोग डायरेक्टली पहुंच चुके हैं टाउन, और यहाँ गाड़ी पार्किंग में लग गई है क्योंकि एक फ्रेम हम यहाँ से लेके गए थे भाई के वहाँ से, तो फ्रेम का कुछ प्रॉब्लम है, तो फ्रेम भी रिटर्न हमने दिया है यहाँ पर। और अभी खाना खाने जा रहे हैं, अम्मी अंदर बैठ चुके, मैं भी अंदर जा रहा हूँ, खाना वगैरह खाते फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलने के बाद मिलते हैं आपसे। और अभी तक शिरीन को पता नहीं है कि हम लोग खाना खाना है, खाना खा के आपसे मिलते हैं। अभी पहला डिश आ चुका है, चिकन चिली ड्राई मंगाए अम्मी ने और तंदूरी रोटी मंगाए, तो अभी फटाफट ऐसा है कि जल्दी जल्दी खा के निकलना है क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, काम बहुत है हमको, तो चलिए खावा के इंशाल्लाह आपसे मिलते, बने रही वीडियो। सो गाइस पहुँच चुका हूँ घर, अब जा रहा हूँ ऊपर, अम्मी को ड्रॉप कर दिया गाड़ी पार्किंग में डाल के, अब जा रहा हूँ घर। और थोड़ा लाइट का सामान था वो लेना था लोहार चाल से, तो वो ले वे के हम लोग आ गए, और वहाँ पर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया टाउन में क्योंकि ब्लॉग एडिट करके सेव हो रहा था, फिर अपलोड करने रखा तो नेट भी बहुत स्लो चल रहा था, तो अभी बस घर पहुँचता हूँ और फिर देखते हैं, हॉस्पिटल जाना है शिरीन को लेके, तो बस मिलता है आपसे थोड़ा टाइम। बेज कलर लो, बेज कलर, यहाँ पर देखो बच्चे के लिए सऊदी से मम्मी कपड़े दिखा रहे हैं, पिंक कलर का दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि शिरीन की चॉइस से ले रही हूँ मैं। कौन सा इतना बड़ा कपड़ा? ये बीच कलर, ये क्रीम और वाइट लो, मैं मेरे बच्चे को बीच कलर्स पिलाना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाई, आप ठीक हो? कौन है भाई, तुम पहचानते भाई को? सलाम कर रहे थे जवाब क्या? उनको भी बेटी ही चाहिए, तो अम्मी ने उनको बोले कि बोले मेरे बेटी और बहू को, बेटे और बहू को भी बेटी ही चाहिए, तो इसके लिए पिंक कलर का। हाँ। तो पिंक कलर में भी थोड़ा कुछ ऐसा डिफरेंट ले रहे ना, बेटी अब भी अरमान करे और क्या? ये वाला कलर मम्मी ने पसंद, ले लो ले लो, लाइट पिंक। कौन अम्मी को पिंक ही पसंद आ गया, शिरीन
आवाज दे रहे थे। हाँ हाँ ले लो जो पसंद है बोल लो। बहुत क्यूट क्यूट सा है बोलते। अरे अभी तो कितना छोटा सा पैदा होता है ना बच्चा तो। ये प्यारा है, ये प्यारा है। हाँ ये प्यारा है। ये क्या है, पर है क्या वो, क्या है अम्मी वो? यहाँ पर मम्मी अब भी आ गया, कंबल है। हाँ ये कलर देखो कितना प्यारा। हाँ, ये वाला ले लो अम्मी। ये कलर ग्रीन और व्हाइट। ये ग्रीन वाला मदीने में ना मम्मी। हाँ तो ग्रीन और व्हाइट लो। हाँ और बच्चे के लिए कंबल अम्बल देख रहे, देखो बस हो गया एक हाथ जोड़ी अम्मी। ज्यादा कपड़े मतलब बहुत कपड़े, मेरे कपड़े को ऑलरेडी बहुत सारे, रखने जगह नहीं है। सो गाइस आज है 7 नवंबर और मेरा रूटीन चेकअप था, तो आज मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर ने बुलाया था तो मैं आई हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुशी क्योंकि मुझे जो मेरे मोशन से वो रुक नहीं रहे, मुझे वो बताना है खास करके। तो फटाफट अभी मैं ऊपर भागती हूँ क्योंकि डॉक्टर निकलने वाले थे, मैंने फ़ोन करके रुकाया है। तो आपसे मिलती थोड़ी देर में। सो गाइस घर आके मैं मस्त लास्ट जो क्लिप आपने देखी थी मम्मी के साथ वीडियो कॉल पे थे, बस अभी डॉक्टर के पास आया, शिवम का रूटीन चेकअप करवाते, फिर उसके बाद मिलते हैं, बने रहिए वीडियो में। सो गाइस निकल चुके हैं हम लोग हॉस्पिटल से अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे की 5 मिनट लगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। मेरे को ऐसा मेरे को समझ नहीं आता, शायद आप लोग भी कमेंट करके बताना गाइस कि आप लोग के भी साथ ये चीज़ होती है क्या, जब भी आप चेकअप करने जाते हो तो आप लोग का एकदम फटाफट हो जाता है और जो पहले से बैठे हुए थे वो लोग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लगा लेते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि इतना टाइम अंदर पेशेंट्स रहते हैं ना। और फिर बाद में मैं घुसूँ तो मैं 5 मिनट में निकल जाती हूँ, मेरा सब कुछ चेकअप हो जाता है, हार्ट बीट वार्ट बीट सब। और मैं आज इतना खुश हो गई क्योंकि मेरा वेट है ना कम आया, तो मैं खुश सडन पता नहीं है शायद इसको। और डॉक्टर ने ना ऐसे ही देखे मुझे, बोले डॉक्टर बोल रही है ऐसे अचानक से तेरा वेट कैसे कम हो गया, कैसे वेट कम हो गया, क्या कर के आई है बोले तू। अब मैं तो क्योंकि मेरा देखो अभी मेरा ना चेहरा भी उतर गया गाइस, जो पहले जैसा मेरा बल्की हो गया था बहुत ज्यादा, उससे थोड़ा सा ये मोशंस के वजह से इसको पूरा वो कर दिया। तो मैंने अभी डॉक्टर को वही बोला, मैंने बोला मेरे को ना दर्द दे रहा है बस, तो मुझे वीडियो तो बराबर बना लेते, बोले वीडियो तो बराबर शूट कर लेते, लगता है उन्होंने मेरी रील्स देखे होंगे कोई, या वीडियो अभी नियाज की थी। और जो यहाँ के डायरेक्टर है उन्होंने पूछे मेरे बारे में कि अरे जिसके बारे में हमने व्लॉग में बताया था डॉक्टर खालिद के बारे में, उनकी वाइफ को उन्होंने पूछा कि कब है इनकी डिलीवरी, मेरे को तो लगा अभी। अरे बोले वो वीडियो बनाती है ना, बोले रेहान आपा की बेटी, बोले उसकी डिलीवरी कब है, कब है उसका ड्यू कब है, तो डॉक्टर ने बोले अभी टाइम है, टाइम है करके बोले। अच्छा अच्छा टाइम है, मुझे तो लगा बोले अभी है करके। और सब लोग को ऐसे ही लग रहा है कि पता नहीं मेरे से जो मिल रहे हैं ना वो लोगों को शायद मुझे देख के ऐसा लग रहा है, तो यार मेरे को अंदर से ना वो एक। और फिर मेरी जो प्रॉब्लम थी मैंने बताई, मेरे को पेट में बहुत ज़्यादा जो दर्द और लोगों ने ठूस ठूस के खा रही है। मेरे ना आज मेरे ना पिछले ब्लॉग के कमेंट्स पड़े क्योंकि मेरे को एक कमेंट ऊपर नोटिफिकेशन पे आया, ठूस ठूस के खाती है और बोलती पेट में। यार मैं ठूस ही नहीं रही हूँ, मैं हकीकत बोलूँ मेरे को जिससे ठूसना चाहिए ना मैं ठूस ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं कौन से मनुष्य तुम लोग दलिंदर लोग। डॉक्टर ने भी शेरन को पूछे अचानक से क्या खाई थी बाहर का, खाती तो बराबर है वीडियो में। अरे खाते ही नहीं है, वही तो मेन प्रॉब्लम है, खाना ही नहीं है भाई, खाना ही नहीं जा रहा है। जैसे मेरे को जाता था जो मेरे जो स्टार्टिंग नहीं मिडिल पीरियड था, वो मिडिल पीरियड में जो खा पाती थी एकदम, हाँ यार ये मंगाओ कैफ कैफ वो चीज चाहिए कैफ, वो जो क्रेविंग वाला अब कुछ भी नहीं है, रैप अप हो चुका है पूरी, वो कुछ भी नहीं है, मन ही नहीं करता। ऐसा होता है ना इसके चक्कर में मेरे को भी नहीं खाने मिलता हकीकत में बोलूं तो, क्योंकि कल भी हम लोग खाना खा रहे थे तो इसको कैसे है ना मटन ऐसे भी नहीं चला। और ये इसी मेरे को ऐसा लग रहा था वहां पर तवा पे, तो ऐसा लग रहा था मैं 2 मिनट और रुकती, 2 मिनट और पूरा मैं निकाल देती, कुछ है तो नहीं, पानी पुनी जो पीऊं वो भी निकाल देती। बोले ऑलरेडी ठूसी भी है फिर भी नाटक कर रही है खाना नहीं खाना है, तो भाई मैं तुम्हारे पैसे का तो नहीं खा रही हूँ ना। मुझे वैसे ना बात करनी थी कि हराम का पैसा है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ जान,
कि प्लीज मैं अगर कुछ सेंटेंस दो तो उसको आप अगर बीप कर, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतनी भागम दौड़ी तो इसके लिए बोल रही हूँ, बीप जो करते हो आप प्लीज अब नहीं करोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस ब्लॉग में मैं थोड़ा फूटना चाहती हूँ, क्योंकि हर बार का देखो हर बार समझ आता है, हर चीज समझ आती है। तो किसी के माँ से छीन के या किसी के बाप का नोच के तो हमारे पास हम ले नहीं रहे, ठीक है। अगर हमारा हराम का पैसा है तो हमको हराम का ही सही, हमको पच रहा है, ठीक है, हमको अल्हम्दुलिल्लाह पच रहा है। हराम का समझते ना तुम, हराम का समझो, तुमको जो समझ आता है वैसे समझो। अल्लाह ने हमको बस जैसा रिस्क दिए है वो हमारी नसीब का है तो हम खा और रहे। अगर आप लोगों के पास प्रूफ है कि हम हराम का खा रहे या फलाना कर रहे तो प्रूफ, तो प्रूफ लाओ, कर दे दो प्रूफ लाओ। देख जान जला के किसी के सामने मतलब का नहीं है, ये लोग नहीं जान नहीं जला रही, हमें पता है हम सही, लोग के सामने जान नहीं जलाती, हमें पता है हम सही है, अल्लाह बेहतर जानता है कौन सही है कौन गलत है। और कमेंट में बहुत रामू का अगर खुश हो गए, रामू बाबा का पसंद है तो आके ले लो। अब मैं बोलती हूँ रामू बाबा पसंद है ना तो आके ले लो, ठीक है। शेरिन को देख देख के तो इतनी मिर्ची लगती है ना यार, शेरिन कितनी ओवर एक्टिंग करती है, शेरिन कितनी बकबक करती है, तुम्हारे कानों में क्या घुसता है क्या? हाँ तुम्हारे कानों में इतनी मिर्ची लगती है कि यार शेरिन 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 हाँ ये वो, चलो चलो ठीक है यार, एक बार दो बार तीन बार चार बार, अरे छोड़ दिए। अरे पर बोलने की भी एक लिमिट होती है, तुम्हारी में इतनी मिर्ची लगती है, इतनी चुभन उठती है ये सोच के कि यार एक अकेली औरत ऐसा कर रही, कितने भंकर्स करी। अरे तुम्हारे को क्यों मिर्ची लगती है? अगर तुम्हारे माँ बाप कुछ करे तो तुम्हारे लिए मेरी दुनिया है तो रील्स बनाना चालू करते हो। तुम जाओ चाय बोलो, मैं आया आप पर बैठी, दो मिनट जाओ, तुम जाइए प्लीज। चिरिन मेरे को कल नहीं करना, तू नहीं समझ रही मेरे को पड़ जाता है एडिटिंग के लिए। मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी, ऐसे भी मैं कुछ एडिट करता हूँ नहीं, फिर भी वो भी मेरे को भारी पड़ जाता है। मैं अश्लील वर्ड्स नहीं यूज करूंगी, बीप कर रही ना मैं खुद के मुंह के अंदर ही, प्लीज मत करो जान। कैफ मैंने बोला मत करो, तो जाओ ना यार फटाक से बंद करो, गिरेगा ना कैमरा मेरा, बोलना। मैंने सेट करी, मैं कार में आज लोगों की मारने वाली हूँ। ऐसी भी गाड़ी अपनी थोड़ी है। और इंशाल्लाह इतना जो रामू काका की इसके अंदर उंगली करते है ना, इंशाल्लाह छह महीने के अंदर अगर गाड़ी छह महीने के अंदर अगर गाड़ी खड़ी करके नहीं दिखाया ना, मैं दो बाप की औलाद, ये भी मेरा आज के दिन से ना मार्क करके ले लेना वर्ड। हाँ यार भड़क गया है मेरा आदमी, गाइस इतनी इसकी उंगली कर दी तुम लोग ने कि भड़क गया हो। तो देखो ऐसा है कि बहुत लोग बोलते हैं ना गाड़ी गाड़ी गाड़ी, सास ने बेटे की तरह रखी पर गाड़ी चलवाती है, अरे तो वो उसकी ही चीज है, उसको अम्मी ने दो गाड़ियों की चाबी दे दी, बोले कैफ ये चीज तेरे पास रखना, क्रेटा की चाबी कैफ के पास है, दोनों फॉर्च्यूनर्स की चाबी कैफ के पास है। तो आप जो कुछ लोग है उन लोग की मैं मिर्ची क्यों लग रही, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई तुम्हारी माँ का नोच के खा रहा है कि तुम्हारे बाप का नोच के खा रहा है, तुम्हारा नोच के खा रहा है। अगर तुमको उसका इतना ही पसंद है तो आके ले लो मेरे आदमी का, ठीक है, और मेरा आदमी का तो ले ही लो। एक काम करो, मेरी माँ को मैं बोलती हूँ कि अम्मी स्पेशली डब्बे में रखना, ये ऐसे बटवे लोगे ना उन लोग को, और जो यहाँ है ना उन लोग को बहुत अच्छे से फरस से देने के लिए खाने के उन लोगों को, क्योंकि उन लोग के तो में इतनी मिर्ची लगी हुई है कि बेटली मेरा आदमी बोलने नहीं देगा मेरे को। हाँ जब ये हराम का, अरे तुम्हारे को क्या हो रहा है भाई, हम हराम का खाए या किसका भी खाए, तुम्हारे से नोच के ले रहे क्या, या कोई भटवे से नोच के ले रहे क्या? नहीं ले रहे ना, हम लोग तो हमारी नसीब का हम लोग खा रहे, ठीक है, हमारी नसीब का हम लोग खा रहे, हमारे नसीब का हम लोग पहन रहे, हमारे नसीब का सब कुछ हो रहा है, किसी से छीन नहीं रहे हम लोग, ठीक है। तो बोलने की बिना हर चीज की लिमिट होती, कैसा है ना कि मैं गाली वाली ना मैं दूं ना भी तो आप अब क्या क्या पैसा क्या नहीं कर सकता, बाई क्लास, हाँ मनी कांट बाय क्लास। सो फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, हमको क्लास की जरूरत नहीं है, हम लोग जहाँ से उठ के आए जो हमें पहचानते ना उनको हमारा क्लास हमारा ग्लास सब मालूम है, ठीक है। अभी बोलेंगे रामू का कैमरा घुमा जरा इधर रे। और एक सेकंड एक बात थी मैं बता देती हूँ, जो स्ट्रीट और जो हर जो अपनी एक पहचान लेके, जैसे एक जहाँ से अभी हम
हम वहां से उठ के क्या बोलेंगे जन, जैसे हम एक ये बोलते ना एकदम बहुत ऐसे बुरे वक्त से बहुत ग्राउंड लेवल से हम लोग उठ के आज इधर आए, तो ये जो हमारी टोन है, हमारी जो चीजें, हम वैसे ही रहेंगे। आज डिवाइन है, आज एमसी स्टैंड है, एमी वे स्टैंड है। नहीं है वो, क्या है वो, एमसी स्टैंड, वही जो भी है, स्टैंड है, स्टैंड है, मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं सुनी। पर वो लोग की जो लैंग्वेजेस मैंने देखी है, वो लोग की जो टोन मैंने देखे, तो वो लोग भी तो वैसे ही बात करते ना भाई। सौ की सीधी बात, मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है, मेरी जिंदगी जैसे चल रही है मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें खुश हूँ, मेरी जिंदगी के बारे में मत बोलो, ठीक है। क्या हुआ गाइस, एक सेकंड, क्या है? हाँ गाइस, बंद so... कर दी ना? नहीं मैंने नहीं बंद करी, जान तो मैं चालू नहीं, वैसा नहीं चालू होता। तो गाइस मैं ये बोल रही थी, देखो मैंने आज दोपहर को मैंने बोला कि जो हेट करते हैं प्लीज वो लोग से भी मैंने रिक्वेस्ट करी, रो के रिक्वेस्ट करी थी कि भाई अब प्लीज यार आप थोड़ी दुआ कर लो कि मेरी जो ये हालत चल रही है उसमें सही हो जाए, हो जाए। फिर उसके बाद मैं खाना वाना खाई और मैं ऐसी लेटी पड़ी थी, लेटी पड़ने के बाद मैंने कमेंट्स देखे तो मुझे वो चीज़ बहुत हर्टफुल लगी कि यार देखो हम व्लॉग बनाते हैं, हम हर चीज़ करते हैं, हर कोई हर किसी के पास हेटर्स है, ये नहीं बोलूंगी कि नहीं है। देखो बोलते हैं ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पे आपको लोग बोलेंगे, तो देखो बोलने की भी ना एक लिमिट होती है, एक सोच भी होती है कि बोलते ना एक अच्छी सोच होती है ना कि हाँ चलो बुरी भी हो तो इतनी भी बुरी नहीं होती कि आप सामने वाले को इतना गिरा दो, इतना गिरा दो कि आप उसको चुत कहीं देखो ही ना खड़ा हो, और जब वो कहीं आपको मिल जाए, कहीं मिल जाए तो वो आप उनको बराबर पॉइंट करके बोलते ना यही ये देखो वो लोग जो ब्लॉग बनाते, यही ये देखो इनकी बेटी, ये देखो इनका दामाद, बोलते हो ना अरे देखो कैफ जा रहा है, अरे देखो कैफ शिरिन जा रहे, बोलते हैं ना। तो जो तुम यहाँ पर कमेंट करते हो वही चीज़ आप हमारे सामने आके क्यों नहीं बोल सकते? आपको देखो हम तो रेडी है मिलने के लिए, आप जा बोलाओ हम आएंगे, आपको जा मिलना है हम मिलेंगे। पर मैंने ना जो गोल्ड ग्रुप की भी बात करें, गोल्ड ग्रुप वाले लोग को नहीं बुलाए, गोल्ड ग्रुप वाले लोग ने इन लोग, देखो हमारे को ना हमारी माँ को हम स्टार्टिंग टू एंड बोलते रहे कि देख अम्मी जो तेरे से अच्छा तू उससे अच्छी, जो तेरे से बुरा हम सब उससे बुरे, ठीक है। हमारा बोलने का मतलब ये, हमने देखो नियाज की दावत हमने हर एक इंसान को दी, अगर वो इंसान कुछ मन में खोट या कोई थिंकिंग लेके चल रहा है कि यार ये शख्स ये चीज़ में नहीं, ये शख्स वो चीज़ में नहीं, तो हर किसी की ना एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मेरी माँ जो है वो खुद को खड़ा करने के लिए ना उनको एक दो दिन लगता है क्योंकि वो शुगर से डील कर रहे हैं, ठीक है। एक शुगर पेशेंट को बहुत तकलीफ होती जो इंसुलिन पे है, तो मेरी माँ को इंसुलिन चालू है, मेरी माँ कभी अच्छी रहती है, मेरी माँ को कभी बुखार रहती है, मेरी माँ खड़ नहीं पाती क्योंकि पैरों में इतनी तकलीफ रहती है। तो यार थोड़ा सोचो समझो कि आप लोग क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो। कोई इंसान अगर आपको बहन मानता है, कोई इंसान आपको प्यार करता है, ये करता है, तो आप उसके साथ वैसे ही रहो, ठीक है। आप लोग दिल में खोट रखोगे तो खोट रखने वाले कुछ नहीं होता है, जितनी बोलते ना जो अभी यहाँ पर ट्रे ही दे दो, अब कितना हुआ क्या पॉज कर दो, तो ये बोलूँगी हराम का खाने वाली अल्हम्दुलिल्लाह 15 बार बगदाद गई, नहीं कितना 17 बार, सॉरी 17 बार बगदाद गई। जैसे अभी मैं यहाँ पे घर जा वही हूँ ना, तो मुझे यहाँ के लोगों के बारे में बहुत पता है। फिर उसके जैसे बाद शादी में... के बाद शिरिन घर आई थी मेरे, तो उसको मेरे घर वालों का पता था, ठीक है। तो इस पे अटकेगा नहीं क्या? अटकेगा ना, हटा उठाना फोन, फोन तो छोड़ो छोड़ो इसको घुमाना। सो क्या अटकाई है यार, वाह। ये बोलूंगी कि हाँ 17 बार बगदाद गई, और 7 बार बच्चों को लेके गई, मतलब मेरे को जैनब को, फिर कैफ को लेके गई, कैफ को लेके गई। तो अच्छा दर देखना एक हराम के पैसे वाले को मिलना, कैसे नसीब होता है यार? तो वो नसीब कैसे हुआ मेरे को ये नहीं समझ आया। और हराम का पैसा अगर हम खा रहे तो बाकी लोग क्या कर रहे, बाकी लोग का नहीं जानते क्या?
खैर वो अपने गिरावन में खुद जाके हम हमारे गिरावन में दिखते भाई। बाकी लोग की ना जरा इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, उनकी फटाक से मिल जाएगी। जो करते हैं ना उनकी इन्फॉर्मेशन फटाक से नहीं मिलती है। मिल जाती है बेटा, मिल जाती है। जरा कभी उनके लोकेशंस पे पहुंचिए, पहुंच के जरा थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालिए कि ये शख्स क्या करता है या ये शख्स क्या करता है, तो आपको बहुत जल्दी अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट कभी आना एरिया में वो पूछ लेना कि भाई रियाना खान बॉस क्या करती है, रियाना खान बॉस की बेटियां क्या करती है। अगर एक भी जन अगर हमारी बुराई कर दे तो बोल देना कि यहाँ पर आके बोल देना। तो बस यही बोलना है कि किसी का खाने से पहले 100 बार सोच लो। किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के लिए इतना भी बुरा मत बोलो कि और गाइस ये जो जितना भी शिरन ने बोली है ना, मैं अभी एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये व्यूअर्स जितने ब्लॉग देखते हैं ना, ये अपने आंख पे पर्सनली लेना मत। हमने किसी को टारगेट करके नहीं बोला है और ना ही किसी तक की बातें लेके जाके चुगली करना, ठीक है। मैं ये चीज भी मैंने डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। हाँ शिरन, मेरी माँ से मैं डरती हूँ बस। अरे एक बात यार, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है, तो हमें किसी का डर है नहीं, लेकिन बिना मतलब की बातें जाके अंगार लगाने के काम नहीं करना किसी के पास भी। मैं ये चीज भी मेंशन करता हूँ, और जो व्यूअर्स हमें इतना प्यार देते उनके ऊपर से ये जरा भी बातें नहीं है। हाँ, अब मेरे कमेंट ये स्टेटमेंट्स के ऊपर जितने कमेंट्स आएंगे ना यही चीज को लेकर, तो गाइज आप लोग जो देखते हो व्लॉग्स ना, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आके देख लेना कौन कौन आके उंगली करेगा, तो वही है जिसके बारे में यहाँ पे बातें हो रही। यस, तो जो अगर सोच रहे रहेंगे कि यार ये बात मैंने शायद इस शख्स के लिए बोली हूँ या शायद उस शख्स के लिए बोली हूँ, तो मैंने किसी के लिए बोला नहीं है। चलेगा, तुम लोग अंगार लगा देना। हाँ। सामने वाला लेकिन इतना समझदार है, जो कोई भी होगा तो आप लोग जिसके पास देखो, मैंने क्या बोला ना कि जो अगर गलत काम करता है, यहाँ पर सोशल मीडिया में लाखों लोग है जो फेमस हुए हुए, ठीक है, उन लाखों लोगों में से जाके पूछना। जैसे वो चोरंटी है, वो क्या काम करती, चोरंटी तो मालूम है ना, भगोड़न आदमी करने वाली। उसका नाम लेना खाली मजबूरी है कि नाम नहीं ले सकते, नहीं तो नाम के साथ साथ में पूरी राम खता भी गिन दूं मैं तो साथ। वो भगोड़न उसने क्या क्या करती थी, जवान लड़कियों के साथ क्या करती थी, तो वो थोड़ी ना ऐसे जाके ना इन्फॉर्मेशन निकालना। और खैर अल्लाह ही रहम करें। तो अभी मेरे लिए भी आपको यहाँ पर मेरे हमारे कमेंट बॉक्स में हगना है, तो हग लीजिए। वो तो गिनती चुनती के है, जिसको बुरा लगेगा वो लोग ही आएगा और कोई नहीं। तो जितना हग सकते हो ना इतना हग लो। शायद आप लोगों स्टूल पास होने की प्रॉब्लम है क्या? इधर ना गन्ने के जूस वाला है, वो लेना कहाँ से? गन्ने के जूस वाले के पास है, यही गन्ने का जूस वाला है। तो आपको जितना हगना है तो आप लोग हग लो। अब मैं ठीक है भाई, रामू काका को काम है, अभी ऑर्डर आया था ऊपर से, ठीक है कि आ जाते हैं। शादी के बाल दूसरों को ना दिखाइए मेरे लिए, क्योंकि वैसे भी लोगों को तुम्हारा बहुत पसंद आने लगा है। तो चलो ठीक है गाइस, बहुत बकवास था है। चलो ठीक है गाइस, मिलती हूं मैं बाद में। ये देखो गाइस क्या कर रहे हैं, मेरे पेट के तरह की सीटी मार रहे थे उसके वजह से कि बच्चा ये अभी बोलता है पेट में सीटी सीखेगा। अच्छा तुबा कैसे करती, तुबा देखो लात कैसे मारती है पेट में से। अभी मॉम को, मॉम कैसे चलती है, मॉम चलती कैसे? अभी दोनों जन बाहर इतना खेले फ्लोर पे, कोटा पूरा हो गया, समझा लिया खेल लेगा। गाइस ये देखो नानी के घर से चोरी करके जा रहा है, ये हमारा मेरा। और गाइस याद है उस दिन अम्मी ने टोप भूल गए थे दूध का छाल रख के, देखो बस खाली गाली गलौज। हां करती हूं मैं गाली गलौज। ए अभी गाइस हम लोग निकल रहे हैं। समदानी का हेयर स्टाइल बहुत फेमस हो गया। हाँ समदानी हेयर स्टाइल फेमस हो गया ना आपका? सिर्फ समदानी का ही नहीं, दोनों बाप बेटे का हेयर स्टाइल फेमस है ना बेटा। चिंटा बाग टमटम
कर के बता जल्दी, बता ना एक बार करके। ठीक है याद रखना, फिर बोलना मॉम। अच्छा एक मिनट खड़े हो, एक मिनट खड़े तो ऊपर ऊपर ही सोफे पे रहे। ये किसके जैसे पहनो? और ये क्यों पहनता है? अंगूठी कहाँ है मेरी? तो दिन से अंगूठी छीन के रख दिया, मेरे नियाज में पहनने की थी तो दिया नहीं मेरे दोस्त ने। और कब से हम लोग जैनब के ही बैठे थे, अभी बस निकल रहे। जैनब ने मेथी की भाजी दी है मेरे को, और ऊपर से मैंने भी थोड़ा फ्रूट लेके आ गई अम्मी के यहाँ से। क्योंकि क्या है ना गाइस, रामू का तो वो सैलरी बड़ी नहीं है। यस गाइस, कम सैलरी में कम चीजें मिलती है, तो इसके लिए आधा सारा सामान अम्मी के पास लेके आते हैं। ठीक है ना, तुम्हारी नहीं है वो। चल आता हूँ, मिल रहा चलो। अरे हाँ क्या हुआ? चलो दे दी अंगूठी ऑफिस, नहीं चाहिए, नहीं आ रही ना, नहीं दे रहा कैफ। क्या अल्लाह दुख देखो, क्या हो गया तेरे को? क्या चाहिए बेटा? अल्लाह दुख, क्या चाहिए? दुख आया उसको कोई चीज का? अल्लाह मेरे बच्चे को दुख आया ना कोई चीज का? नहीं उसको दुख आया कोई चीज का? नहीं मुझे मालूम उसको कुछ और चीज का दुख है। नहीं रे उसको कुछ और चीज का दुख है, वो रो रहा वो ऐसी वजह से नहीं है। देखो कितना दुख आया उसको। अरे इसकी मेरी जैसी घड़ी भी पहनने लग गया है ना, कहाँ है मोप लेके थी घड़ी, दिखा जल्दी लाके। कुछ बात है, मैं अकेले में पूछूंगा ना तो मेरे को बताएगा। नहीं उसके दिल में कुछ चीज है, और मैं कैफ को ना दो दिन से बोल रही हूँ कैफ ये ना तुमसे थोड़ा नाराज है, पर वो चीज वो समझ नहीं रहे क्योंकि उसको बहुत वो है, वो टेंशन स्नीकर है, वो स्नीकर ही बोलते ना वो। अब मैं अनपढ़ हूँ ना, मेरी माँ ने बोलते ना बोलना। वो पैसा कमा के हमको पढ़ाई नहीं कभी। बोल गाइस देखो मेरी घड़ी, बोल नहीं बोलेगा। क्या चीज का दुख है बेटी तुमको? उसको दुख इस चीज का है कि सैफ आया हुआ है और कैफ फोन सिर्फ सैफ को दे रहा है, इसको नहीं दे रहा है। पर ये ना खुद से बोलेगा नहीं क्योंकि ये खाला पे गया हुआ है। जब तक सैफ जाएगा नहीं ना तब तक ही कुछ बोलेगा नहीं, जब सैफ चले आएगा तो ये फटेगा जैसे मैं। ये